हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज से हम आपके साइंस के चैप्टर 5, इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट क्या होते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। हो सकता है ये वर्ड एसिड आपने सुना होगा, बट एसिड होता क्या है एक्चुअली ये आप नहीं जानते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज सच एज लेमन, टेमरिंड, कॉमन सॉल्ट, सुगर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेज, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल। क्या है कि आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट किया होगा या जानते भी होंगे, जैसे लेमन हो गया, टेमरिंड, टेमरिंड क्या होता है, इमली, या कॉमन सॉल्ट जो आपके घर में सॉल्ट यूज़ होता है, शुगर है, विनेगर है, ये सब चीज़ें आपने टेस्ट की होंगी और इनका टेस्ट भी आप जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिबल आइटम्स हैं जो आपके घर में डेली यूज़ होते हैं, आप उनके टेस्ट जो है चेक करके और नीचे एक टेबल दी हुई है उसमें नोट कर सकते हैं। बट उससे पहले सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, डू नॉट टेस्ट एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो। डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो। किसी भी चीज को तब तक टेस्ट मत कीजिए जब तक आपको उसके बारे में पता ना हो या किसी से आप पूछ ना लें, और किसी भी चीज को टच भी नहीं करना है। अगर कोई एसिड है, बेस है, या आप अपने लैब में गए हैं स्कूल की, वहां भी इस टाइप की चीजें रखी हुई, तो किसी, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ टेबल में कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर, कर्ड, टेमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप, सनराइप मैंगो, कुकम्बर, इन सब के टेस्ट चेक करिए और यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपनी टेबल में। अब इसको करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। जब आप टेस्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको कि कुछ चीज़ें आपको सॉर फील होती, सॉर टेस्ट होती हैं, कैसी मींस खट्टी, कुछ बिटर हैं, क्या बोलेंगे हम, जिनमें कुछ कड़वाहट है या तीतापन है, तीखापन है, कुछ स्वीट हैं, कुछ सॉल्टी हैं। तो अब ये जो टेस्ट है इससे हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं। टॉपिक शुरू होता है हमारा, क्या है, 5.1 एसिड्स एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। देखिए जब आपने टेस्ट किया तो कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब आपको कैसे टेस्ट में आ रहे थे, ये सब खट्टे थे, सॉर थे। ये क्यों सॉर थे? क्योंकि ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस थे ये एसिड कंटेन करते हैं, ये एसिडिक हैं, इस वजह से इनमें खट्टापन है। ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। मीन्स ये एसिड कंटेन करते हैं तो इनका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। ओके, अब हम क्या बोलेंगे, जिन सब्सटेंसेज में एसिड्स है या जो सब्सटेंस एसिड कंटेन करते हैं उनका नेचर कैसा है, एसिडिक है, वो सॉर है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सॉर। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। ये जो एसिड वर्ड आया है ये एसिड वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है एक्रे, जिसका मतलब होता है खट्टापन। अब ये लैटिन वर्ड क्या है, आप अभी से साइंस में आगे भी बहुत कुछ पढ़ते जाएंगे, कुछ बहुत सारे वर्ड जो हैं ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। लैटिन लैंग्वेज में उनका जो मीनिंग होता था उस मीनिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर इनके कुछ ना कुछ वर्ड्स बना करके साइंस में यूज करते हैं। जैसे एसिड को हमने कहाँ से लिया है, लैटिन वर्ड है एक्रे, उसका मतलब लैटिन भाषा में खट्टा होता है, उसी से हमने एक्रे से क्या बनाया, एसिड बनाया। ओके, और ये एसिड्स जो मिल रहे हैं आपको कर्ड में, लेमन में, ऑरेंज जूस में, विनेगर में, ये सब एसिड्स कैसे हैं, नेचुरल एसिड्स हैं, क्योंकि ये नेचुरली आपको मिल रहा है। लेमन आपने जो है लेमन के प्लांट से लिया, उससे जो है आपने जो है लेमन वाटर बनाया, लेमन वाटर क्या है, एसिडिक है, तो ये एसिड आपको कहाँ मिला, नेचर से मिला। ऑरेंज जूस, ऑरेंज कहाँ से मिला, नेचर से मिला, कर्ड, इसलिए ये सारे एसिड्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं, ये आपने कहीं फैक्ट्री में, कहीं लैब में नहीं बनाया है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, अब देखिए इसी में बेकिंग सोडा भी था, बेकिंग सोडा को टेस्ट किया तो कैसा टेस्ट आ रहा था,
डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉल्ट? इफ नॉट वॉज वॉट इज इट्स टेस्ट? अब बेकिंग सोडा को जब आपने टेस्ट किया होगा या नहीं भी किया है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, वो आपको इतना हार्म नहीं करेगा कुछ भी। तो वो क्या है, वो बिटर टेस्ट करता है, वो सॉर नहीं है, मीन्स वो खट्टा नहीं है, उसमें एसिड नहीं है, वो एसिडिक नेचर नहीं है, वो बिटर है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट इट हैज नो एसिड इन इट, इसका मतलब इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर है, इसमें कड़वाहटपन है। फिर इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। अब अगर उसी में आप थोड़ा सा इस सोडा में थोड़ा सा पानी मिला करके इसका सॉल्यूशन टाइप का बना के अगर आप उसको हाथों में फिंगर्स में थोड़ा सा रब करके देखेंगे तो थोड़ा सा सोपी टाइप का फील होगा, जैसा आपका शैम्पू या सोप का को आप अगर फिंगर के बीच में रब करेंगे वाटर के साथ मिक्स करके तो जैसी फीलिंग आती है वैसी ही फीलिंग आपको बेकिंग सोडा के साथ आएगी। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसेस। तो जनरली ऐसे सब्सटेंसेज जो टेस्ट में बिटर हैं या जो फील करने में सोपी फील होते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं। बेसिस क्या है, जैसे एसिड है, एसिड के जस्ट अपोजिट हैं, ओके, एसिड के जस्ट अपोजिट हैं बेसिस। और जो सब्सटेंसेस बेसिस हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। उनका नेचर कैसा है उन सब्सटेंसेस का, उनका बेसिक है। जिन सब्सटेंसेस में बेस है उनका नेचर बेसिक हो गया, जिन सब्सटेंसेस में एसिड है उनका नेचर एसिडिक हो गया, ओके। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब हर चीज को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। फिर ऐसा तो नहीं कि हर चीज को हम टेस्ट ही करते रहेंगे, हमारा माउथ ही या हमारी टंग ही इस टाइप की इंडिकेटर हो गई जो ये हर चीज बता देगी कि एसिड क्या है और बेस क्या है। कहीं से एसिड आपको पता करना है तो पहले क्या है उसके दो ड्रॉप अपनी टंग पे डालेंगे, नहीं ना। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स चाहिए जो आपको ये इंडिकेट करें कि ये चीज एसिड है ये चीज बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसके लिए स्पेशल सब्सटेंसेज हैं जो ये पता करके आपको बताते हैं कि जो जिस सब्सटेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स, जो ये चीज आपको पता करने में हेल्प करते हैं किसी भी सब्सटेंस का कि वो एसिड है या बेस है, उन सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर वेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर कैसे पता करते हैं, जब कोई भी इंडिकेटर है जो एसिड या बेस को बता सकता है उसको किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में आप डिप करेंगे या उसके ऊपर सॉल्यूशन डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करता है, ओके। कलर चेंज करेगा तो कुछ स्पेसिफिक कलर है उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये कलर चेंज होकर के अगर आ गया तो वो एसिडिक है और अगर दूसरा कलर आया तो वो बेसिक है। आगे हम इसके बारे में ही पूरा पढ़ेंगे। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। हमारे नेचर में हमारे आसपास में ही ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम ये पता है। पहला इंडिकेटर तो आपके पास में आपकी टंग ही थी लेकिन सारी चीजें आप उससे टेस्ट करके नहीं जान सकते। फिर आपके किचन में जो टर्मरिक यूज होती है, हल्दी, लिटमस क्या होता है, लिटमस के बारे में बस मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक है। इसके अलावा चाइना रोज पेटल्स, जो हमारे घर में गुड़हल का फूल होता है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ओके। और इन इंडिकेटर्स को क्या हम बोलते हैं, चूंकि ये इंडिकेटर्स भी नेचुरली मिल रहे हैं हमको तो इन इंडिकेटर्स को भी हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट भी दी हुई है जो आपके डेली आप लोग जिन चीजों को खाते पीते रहते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है। एसिड भी डिफरेंट है, एसिड कोई एक नहीं है, बहुत सारे एसिड हैं, बहुत ही वैरायटी है एसिड की। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड है। ऑन स्टिंग में फॉर्मिक एसिड है। इसी तरीके से साइट्रस फ्रूट कौन से, जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गया, इनमें क्या है, इनमें साइट्रिक एसिड है। ये एसिड्स के टाइप हैं, आगे आप जब पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एसिड्स के टाइप, उनके फार्मूला, उनको कैसे
टेस्ट किया जाता है, ये सब आप चीजें पढ़ेंगे। बट अभी आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी आपको केवल ए सीट क्या है, बेस क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, इनको जानना है। ओके, इसी तरीके से देखिए कुछ बेस हैं। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या होता है, चूने का पानी बोला जाता है। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे वीडियो में कि लाइम वाटर कैसे बनाया जाता है। विंडो क्लीनर, हमारे घर में विंडो क्लीनर के लिए जो है इस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कॉलिन टाइप की चीज़ें हम घर में रखते हैं, वो सब क्या हैं, वो बेस हैं। सोप, जो घर में साबुन यूज़ करते हैं, वो भी बेस है। ओके, तो ये सब कुछ हमारे एसिड्स और बेस जो हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करते रहते हैं। यहाँ बुजो का एक क्वेश्चन है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। पहली क्या बोलती है, नो, हैव यू नॉट रेड द कॉशन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी चीज को टेस्ट करके ये नहीं पता करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेचुरल इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, उसमें लिटमस, लिटमस क्या होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड।